हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि ऑनलाइन एग्ज़ाम आपकी कैसे होने वाली है और क्वेश्चन पैटर्न कैसा है और उसके आंसर्स कैसे आपको लिखने हैं सो ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के बारे में पहले बात करते हैं कि टोटल आपको फोर्टी क्वेश्चन रहेंगे इन फोर्टी क्वेश्चन में से आपको ऑल फोर्टी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मीन्स फोर्टी में से फोर्टी out of 40 all questions you have to solve then each question carry two marks so aapka jo question paper hai wo 80 marks ka rahega total 80 marks ka aapka question paper rahega so schedule wise aapki ye exam hone wali hai online so sabse pehle aapke whatsapp group pe दो तरीके के form आपको भेजे जाएंगे एक होगा Google form और दूसरा होगा question paper. तो सबसे पहले question paper को हम open करते हैं सो क्वेश्चन पेपर को ओपन करने के बाद आपको दिखाई देगा कि फोर्टी क्वेश्चन उस क्वेश्चन पेपर में रहेंगे इन फोर्टी क्वेश्चन में से आपको टोटल फोर्टी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एक रफ पेज आपको लेना है रफ पेज पे इस तरह से वन टू फोर्टी तक आपको नंबर्स लिखने हैं और जो भी आपके आंसर्स हैं आपको रफ पेज पे लिखने हैं जैसे कि वन का ए है टू का बी है थ्री का बी है इस तरह से आपकी एक आंसर की रफ़ आंसर की आपकी तैयार हो जाएगी अब आपको गूगल फॉर्म ओपन करना है जो गूगल फॉर्म लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजी गई थी उसमें सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी दी जाएगी सो so, सबसे पहले आपको फिल करना है आपका ईमेल आईडी, उसके बाद आपका नाम आ जाएगा देन क्लास देन सेम देन योर मोबाइल नंबर योर रोल नंबर ऑल द इंफॉर्मेशन यू हैव टू फिल इन दिस गूगल फॉर्म ये गूगल फॉर्म भरने के बाद में आपको एक नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद क्वेश्चन नंबर विथ ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे सो टोटल फोर्टी क्वेश्चन नंबर्स रहेंगे क्वेश्चन वन टू थ्री और उसके फोर ऑप्शन रहेंगे ए बी सी डी अब रफ आंसर की तो आपने पहले से बना के रखी है सो so, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन है और उसके फोर ऑप्शन हैं सो सपोज़ क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है ए ऑप्शन ए तो आपको ऑप्शन ए पे क्लिक करना है क्वेश्चन टू का आंसर बी है तो आपको क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक करना है क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन अगर आपने बी लिखा है तो यहाँ पे बी प्लिक क्लिक करना है इसी तरह से ऑल फोर्टी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे क्लिक करने हैं और फोर्टी के फोर्टी क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर दिए हैं तो सबसे नीचे आपको आपको एक दिखाई देगा सबमिट का बटन वहाँ पे जाके क्लिक करना है देखो फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि वेरिफिकेशन इमेजेस आ जाते हैं सो वेरिफिकेशन इमेजेस में जैसे कि सिग्नल पहचानने होते हैं इमेजेस में से या फिर फुटपाथ के इमेजेस रहते हैं तो उनमें से आपको फुटपाथ कौन सा कौन सा है वो दिया जाता है या फिर कैप्चा दिया जाता है तो इस तरह के, के वेरिफिकेशन इमेजेस से घबराना नहीं है वो पर्टिकुलर पढ़ के आपको वहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद में सबमिट बटन पे क्लिक करना है सो so यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि क्वेश्चन पेपर हैज़ बिन सबमिटेड सक्सेसफुली अब इसका स्क्रीनशॉट आपको निकाल के रखना है ये जो स्क्रीनशॉट है ये प्रूफ है कि आपने एग्ज़ाम दी है और आपका पेपर सबमिट हुआ है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एग्ज़ाम पैटर्न ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जामिनेशन थैंक यू सो मच